आज से फ्रेंड्स लगभग 2 साल पहले जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है वो शुरुआत हुई थी। वहां पर 8-10 टेस्ट टीमें थी जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला, उसमें हिस्सा लिया, लेकिन फ्रेंड्स केवल 2 ही टीमें फाइनल तक पहुंची, टीम इंडिया एंड टीम न्यूजीलैंड। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो कुछ इस तरह से होगी, टीम इंडिया एंड टीम न्यूजीलैंड को मिलाकर मैं टेस्ट की एक टीम बनाऊंगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट एक तरफ होंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दूसरी तरफ होंगे, यानी कि बढ़िया बढ़िया प्लेयर जो भी बाकी देशों के बचे हैं जो टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक तरफ होंगे, और जो फाइनलिस्ट हैं इंडिया न्यूजीलैंड वो एक तरफ होंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम लोग 2 टीमें बनाएंगे, बाद में देखेंगे दोनों टीमों में से कौन सी टीम ऑन द पेपर ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अगर कोई ऐसा मैच हुआ तो कौन सी टीम जीतेगी आप लोग नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर सबसे पहले बनाते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11। फ्रेंड्स अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, मैंने वहां पर रखा है डेविड एक्सक्लूसिव वार्नर को, जिनका टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है हर बार। इनका साथ देंगे फ्रेंड्स पाकिस्तान के बाबर आजम। फ्रेंड्स लग रही है ना ओपनिंग जोड़ी खतरनाक, लेफ्ट राइट इनका जो कॉम्बिनेशन बन गया, डेविड बाबर वहां पर आएंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम काफी खतरनाक बनेगी। नंबर 3 पर फ्रेंड्स मानस लांबुशाने को मैंने रखा है, जो कि टेस्ट मैचेस में धूम मचा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। नंबर 4 पर फ्रेंड्स स्टीव स्मिथ आएंगे, जो कि हमें इस टीम की कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे। मेरी इस टीम के कैप्टन होंगे स्टीव स्मिथ, हालांकि अभी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की कैप्टनसी कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एंड डेविड वार्नर इन दोनों पर जो बॉल टैंपरिंग का हुआ था उसके बाद से ही कैप्टनसी ले ली गई थी, लेकिन आईपीएल में भी कैप्टनसी करते हैं, कर चुके हैं, 6 कैप्टन हैं, तो इस टीम के कैप्टन होंगे स्टीव स्मिथ। नंबर 5 पर फ्रेंड्स जो रूट को मैंने रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर और काफ़ी सूटेबल प्लेयर है नंबर 5 के लिए, जो रूट। नंबर 6 पर फ्रेंड्स मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए था, तो मैं गया बेन सुपरमैन स्टोक्स के साथ। यहाँ पर एक और ऑप्शन थी मेरे पास जेसन होल्डर की, लेकिन फ्रेंड्स बेन सुपरमैन स्टोक्स जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 7 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है क्विंटन डिकॉक को, जो कि हमें इस टीम की विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे, तो काफ़ी खतरनाक बैटिंग लग रही है इनकी। नंबर 8 पर फ्रेंड्स पैट कमिंस आएंगे, वो भी बैटिंग कर सकते हैं और टेस्ट मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त ये बॉलिंग करते हैं, पेस काफ़ी है इनकी बॉलिंग में, स्विंग काफ़ी है, जिस वजह से इनको विकेट्स काफ़ी मिलती हैं टेस्ट मैचेस में। नंबर 9 पर फ्रेंड्स इस टीम के जो इकलौते स्पिनर होंगे नेथन लायन, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैच आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ एशिया होना है, इंग्लैंड में ये मैच हो, ज़्यादा स्पिनर वहाँ पर चाहिए नहीं। अभी आप लोगों ने देखा होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कोई भी स्पिनर के साथ नहीं उतरा था न्यूजीलैंड, 5 फास्ट बॉलर्स उन्होंने खिलाए थे, लेकिन फिर भी मैं एक स्पिनर दोनों टीमों में रखूंगा। नंबर 10 पर फ्रेंड्स कगिसो रूथलेस रबाडा। नंबर 11 पर फ्रेंड्स जेम्स एंडरसन को मैं अपनी टीम से बाहर नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 की टीम काफी स्ट्रांग लग रही है, अब देखते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनलिस्ट की टीम कैसी बनती है। फ्रेंड्स ओपनिंग पर मैंने रखा है रो सुपर हिटमैन शर्मा को, इनका साथ देंगे फ्रेंड्स डी कॉनवे, जो कि इनका भी राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन गया और काफ़ी अच्छी ये भी बैटिंग कर रहे हैं, काफ़ी प्रभावित किया है डी कॉनवे ने, अभी ज़्यादा इनका लंबा करियर हुआ नहीं है लेकिन जितना भी हुआ है अच्छी खासी बैटिंग इन्होंने की है। नंबर 3 पर फ्रेंड्स केन विलियमसन को मैंने रखा है, और फ्रेंड्स अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो विराट कोहली, किंग कोहली को मैंने वहां पर रखा है। और फ्रेंड्स आप लोग नीचे कमेंट करके बताना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनलिस्ट की 11 की टीम है उसमें से कैप्टन किसको होना चाहिए, किंग कोहली को या फिर केन विलियमसन को। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था किसको कैप्टन रखूँ, तो मैंने सोचा चलो मेरे सब्सक्राइबर्स ही ये काम करेंगे, वही कैप्टन चुनेंगे। नंबर 5 पर फ्रेंड्स अजिंक्य रहाणे को मैंने रखा है, रॉस टेलर के साथ मैं जा सकता था लेकिन अजिंक्य रहाणे के साथ मैं गया, क्योंकि विदेशों में प्रदर्शन काफ़ी अच्छा करते हैं। नंबर 6 पर फ्रेंड्स ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, जो कि हम इस टीम के विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 7 पर इकलौते स्पिनर और इस टीम के ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा को मैंने रखा है, टेस्ट मैचेस में भी इनके नाम का सिक्का चलता है। नंबर 8 पर फ्रेंड्स काइल जेमिसन को मैंने रखा है, अगर वहां पर पैट कमिंस तक बैटिंग जाती है तो यहां पर काइल जेमिसन तक बैटिंग जाती है, काफी छोटा इनका टेस्ट करियर है लेकिन जितना भी ये खेले हैं काफी प्रभावित किए इन्होंने सभी को, और टेस्ट मैचेस के चलते ही ये आईपीएल में इतने महंगे बिके, 15 करोड़ रुपए खर्च आरसीबी ने सिर्फ टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देखकर ही। नंबर 9 पर फ्रेंड्स टीम सऊदी को मैंने रखा है, नंबर 10 पर फ्रेंड्स ट्रेंट बोल्ट, जो कि लौते लेफ्ट हैंडेड होंगे इस टीम के। नंबर 11 पर फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह। तो फ्रेंड्स दोनों ही टीमें आपके सामने हैं, देखिए दोनों ही टीमें कुछ इस तरह से लग रही हैं, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। फ्रेंड्स रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है, काफी स्ट्रांग है, टक्कर होगी इन दोनों के बीच।
अगर वहां पर पैट कमिंस, रबाडा एंड एंडरसन है, हमारे पास काइल जेमिसन, साउदी बोल्ट, जसप्रीत बुमराह है। बैटिंग काफी स्ट्रांग है फ्रेंड्स। अगर वहां पर वार्नर, बाबर आजम, स्मिथ, जो रूट है, यहां पर रोहित शर्मा, विलियमसन, कोहली है। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।